हम कृष्णा हेगड़े, वाकई अब इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा ना। ये परसेप्शन क्रिएशन में तो विपक्ष पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। जो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों से आपकी पार्टी में आ जाते हैं वो सदाचारी जरूर हो जाते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन अगर आप वाकई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये कार्रवाई तक ही क्यों सीमित रह जाता है? कोर्ट भी तो यही सवाल उठा रहा है ना कि आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबूत तो दीजिए। पूजा जी, पहले मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता ने एक बात उठाई थी, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कांग्रेस, एक मुहावरा है, 100 चूहे खाके बिल्ली हट चली। 100 सरकार कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने सीबीआई के मदद से गिराई, उनके बारे में वो कहेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी पे सीबीआई हमने लगाई क्या? उन्होंने लगाई, उन्होंने लगाई। तो मैं ये कंपेयर करके कोई ये नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है कि ईडी अगर काम कर रही है तो ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिकवरी भी किया है। 23,000 करोड़ रुपए का जो है बैंक का जो फ्रॉड डिफॉल्टर्स है उनका भी रिकवरी किया है ईडी ने। बेटिंग कंपनी हो, होटल एंड रिसोर्ट्स हो, आज का रेड अशोका यूनिवर्सिटी पे है, तो बहुत सारा रिकवरी ईडी ने किया है और लगभग 1,000 चार्जशीट ईडी ने फाइल किए हैं और उनमें से सिर्फ 1% ऐसे जो मामले सजा तक पहुंचे, ये भी एक आंकड़ा है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में उन्हीं के नेता सचिन पायलट 4.5 साल तक चिल्ला रहे थे ये घपलाओं के बारे में। राहुल गांधी तक को उन्होंने कंप्लेन किया कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और आज एक्शन हो रहा है तो भाई वो नाराज हो रहे हैं, कौन? गहलोत जी, एक्शन हुआ है ना। तीसरी बात यह है कि जो अजीत दादा के बारे में आप कह रहे हैं, तो दूसरे विधायक के बारे में कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में आए, अरे भाई इनके पास तो 180 विधायक थे, आज इनके पास 70 विधायक भी नहीं, हमारे पास 220 विधायक है, तो 100 विधायक से ऊपर महाराष्ट्र में फ्लोर क्रॉस करके हमारे पास आ गए। क्यों आ गए? ईडी के डर से आ गए क्या? वो इसके लिए आ गए क्योंकि शरद पवार साहब के बुक लोक माजे अजित पवार को तो आप 70,000 करोड़ घोटाले का आप भ्रष्टाचारी आरोपी आप उन्हें कहते थे, यही आरोप बड़े मंच से लगाए जाते थे ना। कहां गए वो सारे आरोप? नारायण राणे, अजीत, हसन मुशर्रफ, तमाम वो नाम दादा के, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। अजीत दादा के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं है, एक भी चार्जशीट उनके खिलाफ है तो दिखाइएगा। तो फिर क्यों फडणवीस जी कह रहे थे नारायण सिंह जेल में चक्की पीसिंग? नहीं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। नारायण राणे जी के ऊपर जो उनके घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया था। और तीसरी बात यह है कि आप कह रहे थे 70,000 करोड़ का घपला, आ रही हूँ वाक मारे जी, मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारे बातें होंगी जिनको आप बताना चाह रहे हैं, आ रही हूँ। इशू ये है कि आधा एनसीपी तो कांग्रेस के पास है ना, कांग्रेस के पास अभी भी आधा एनसीपी है भ्रष्टाचारी लोग, और हमने थोड़ी सबको लिया है यहाँ पर, हमने जो हमको चाहिए उनको लिया है और आपने उनको सदाचारी कर दिया। नहीं, सदाचारी नहीं कर रहे, अजीत दादा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो राजू वाघमेरे भी जाते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होल्ड, उन्होंने भी तो काम किया 15 साल अजीत दादा को डिप्टी सीएम बना के, उनको पता नहीं कि अजीत दादा कैसा काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये जैसे उनको सूट होता वैसे वो बोलते हैं। तो एक बात ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स इतना बढ़ गया है कि आज अगर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया तो नीचे के अगर अधिकारी काम नहीं करे तो जो विक्टिम है वो तो जाएगा ना ईडी के पास। स्टेट गवर्नमेंट अगर विपक्ष के पास है, कोई कंप्लेन कर रहा है, एक्शन नहीं हो रही है, तो जाएगा वो ईडी के पास, वो कंप्लेन लेके जाएगा ईडी के पास, ईडी कार्रवाई करेगी। ठीक है, ईडी लोकल पुलिस और ईडी में थोड़ा फर्क है ना, इसके लिए तो लोग जाते हैं ईडी के पास। ठीक है,